Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi and we will discuss on how to prepare for UP APO 2019. A very less vacancy have been announced for this examination. Less than 20 vacancies and preliminary exam to be held in February 2020. मित्रों उत्तर प्रदेश एपीओ 2019 की जो वैकेंसी जारी हुई है वो उसकी संख्या बहुत कम है, 20 से भी कम है और उसका पी 2020 में होना है. ऐसे में व्हाट द स्ट्रेटजी शुड बी, हमें पहले कौन सी तैयारी करनी चाहिए, हमें किस पे फोकस करना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन प्री और ऑन मेंस और एट द सेम टाइम ऑन बोथ. इफ ऑन बोथ देन विच वन शुड बी गिवन, ऑन विच प्रायोरिटी शुड बी गिवन. हमें प्री की तैयारी करनी चाहिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या दोनों पर ध्यान देना चाहिए. और अगर दोनों पर ध्यान देना चाहिए तो इसमें हमको ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, प्री और मेंस या मेंस और प्री. तो ऐसे में मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा. आप में से जो लोग यूपी पीसीएस जे की तैयारी कैसे करें, जो 2018 वैकेंसी आई थी उस पर अगर मेरा व्याख्यान देखे होंगे, मेरा लेक्चर देखे होंगे, तो वहां मैंने कहा था कि आप पहले मेंस पे फोकस करिए, प्री को बस रेगुलर पढ़ते रहिए. लेकिन यहां मैं उल्टा कह रहा हूं, यहां मैं कहूंगा दैट यू शुड फोकस एंड फोकस एंड फोकस ऑन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन. यहां आपको प्री परीक्षा पर ध्यान देना है. व्हाई? क्योंकि यहां वैकेंसी 17 है और जब वो जे की बात थी, सॉरी यहां, और पीसीएस जे 2018 में कितनी वैकेंसी थी, 610. तो इसका अंतर क्या है? अगर एक सीट पे 10 लोगों को क्वालिफाई करवाएंगे प्री में, यहां फाइनली 610 लोग सेलेक्ट हुए और इसमें प्री में केवल 170 क्वालिफाई करेंगे. और एक बात जान लीजिए कि एग्जाम में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो जुडिशियल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करते हैं. द कॉम्पिटिटर्स आर द सेम पर्सन. तो ऐसे में सबसे पहली चुनौती यह है कि आप इन 170 में जगह बनाइए, 170 में आइए. अगला सवाल है कि तो क्या मेंस पे ध्यान न दें? तो मैं इसमें आपसे यह अप्रोच अपनाने के लिए कहूंगा, आप प्री को पढ़िए और प्री को पढ़ने में जितना मेंस तैयार हो जाए उतने पर केयर कर लीजिए. लेकिन फोकस आपका प्री पर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको 170 में आना है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में. अगर 40,000 वैकेंसीज फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इनमें से केवल 170 लोग क्वालिफाई करेंगे, जबकि 170 में से कितने क्वालिफाई करेंगे, एक सीट पर ढाई या तीन लोग लिए जाते हैं, हम तीन के हिसाब से चले तो 170 में से 51 लोग लिए जाएंगे. तो बताइए मेंस ज्यादा टफ है या प्री? यहां 40,000 में से 170 लेना है और मेंस में 170 में से 51 लेना है, तो यहां पे प्री ज्यादा टफ है. वैसे आप कहेंगे सर अगर इस फार्मूले से चलेंगे तो प्री हमेशा टफ रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है. ये जो 40,000 फॉर्म फिलअप होते हैं उनमें से 50-60% तो ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर होते ही नहीं है, वो केवल देखते हैं अखबार में, देख लिया एक वैकेंसी आई है उसके लिए एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन LLB एंड दे पोजेस डिग्री ऑफ LLB, तो उनको लगता है कि अरे ये तो मैं भी बन सकता हूं. फिर वो केवल उसमें जो क्वालिफिकेशन होती है ना उसको चेक करते हैं, विधि स्नातक, ये तो मैं भी हूं, मर भर देता हूं फॉर्म हो जाऊंगा और फिर इसके बाद भाग्य पर भरोसा कर लेते हैं. तो 60% लोग तो वही है, तो अगर इसमें से हम 60% करें तो 24,000 लोग तो वर्थलेस है, उनका कोई कम से कभी मतलब नहीं होता.
शेष जो 16,000 बच रहे हैं ये कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन इसमें सीरियस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मुश्किल 4-5 हजार स्टूडेंट हैं जो बहुत सीरियस हैं, उनमें भी जो ऊपर के 1-1.5 हजार स्टूडेंट होते हैं अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया, जहां तक आपका ये जो इस परीक्षा बैठने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो 1-1.5 हजार में बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर हम इस संख्या को अगर 2000 भी रख लें कि 2000 लोगों में टफ कंपटीशन होगा, इसमें से 170 में आना है, तो 2000 में से 70 आना है, 70 में से 51 आना है, 51 आना है, तो भी ये प्री टफ है। इस नाते आपको प्री पर ध्यान देना है। अब आप पूछेंगे सर इस पर ध्यान कैसे दें, तो मैं आपको इसके लिए रास्ते बता रहा हूं। आप सब मेरे पुस्तक से वाकिफ हैं जो मैंने पब्लिश की है, पीवीटी पब्लिकेशन की इन बुक्स को आपने देखा है, आपके यहां शहर में मार्केट में है, ये एविडेंस पे है, पुलिस एक्ट रेगुलेशन, सीआरपीसी हिंदी मीडियम और आईपीसी, यूपी एपीओ के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश मीडियम में भी सीआरपीसी की बुक लॉन्च हो चुकी है, पब्लिश हो गई है, और लॉ ऑफ एविडेंस पे भी बुक पब्लिश हो गई है, ठीक आईपीसी आने ही वाली है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब का कैसे प्रयोग करें। पहली बात तो यह कि वन लाइनर लिखी गई है किताब, ये सारी किताबें जितनी मैंने दिखाया एक्सेप्ट इस किताब के, लेकिन इसमें भी प्री और मेन सब के हिसाब से लिखा गया, तो आपकी तैयारी का बहुत अच्छा माध्यम है। खैर, मैंने इस किताब में दो हिस्से रखे हैं सभी किताबों में, एक तो इसमें सब्जेक्ट है, कॉन्टेंट है पूरा, और देन इसमें प्रैक्टिस बुक है, लास्ट में प्रैक्टिस बुक है। और प्रैक्टिस बुक में हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर्स के वेरियस एग्जामिनेशंस के पेपर्स को क्लासिफाइड कर दिया है, इसमें रख दिया है हमने, जैसे इसमें सीआरपीसी इंग्लिश मीडियम को हमने की बुक में हमने प्रैक्टिस सेट को, एक्सरसाइज बुक को कैसे रखा है, सारे क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चंस हमने दिए इसमें, 690 क्वेश्चंस जो दिए गए इसमें, इसको हमने 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। समझिएगा ये आपके लिए कैसे उपयोगी है, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ सेक्शंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नंबर और ड्यूरेशन, जैसे किस धारा में क्या बात कही गई है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है, तो जो नंबर है रिमांड कितने, पुलिस रिमांड कितने डेट्स के लिए होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशन, एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस लॉज। अब जैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन दूं कि केस लॉ, हर विषय से केस लॉज, जुडिशियल जजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको लेकर परेशान हो जाते हैं, तो आप को मैं दिखाता हूं, ये भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की बुक है, आप इसमें देखिए हमने कुल 635 क्वेश्चंस दिए, और ये ऑल हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस ऑफ वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। अब इसमें हमने जो न्यायिक निर्णयों पर आधारित प्रश्नों को रखा, आईपीसी से केवल 83 क्वेश्चंस है, आईपीसी में इतने सारे केसेस से क्वेश्चंस आते हैं, हम आप कंफ्यूज होते हैं, आप डरते हैं, आपको एक भय सा होता है कि न जाने कौन सा केस कहां से पूछ रहा है, लेकिन हमने जब आईपीसी के 635 क्वेश्चंस को एक जगह कर दिया तो उनमें से केवल 83 क्वेश्चंस ही केस लॉ पर बेस्ड है, और उनको भी अगर आप पढ़ेंगे अंदर जाकर के तो 83 क्वेश्चंस केस लॉ पर बेस्ड है, इसका मतलब 83 केसेस। और अगर उनके चारों ऑप्शंस के केसेस को देखेंगे तो बहुत सारे केसेस जो हैं बहुत बार रिपीट किए गए हैं, तो बमुश्किल आपको 150 केस मिलेंगे जो आईपीसी के एग्जाम में आईपीसी से पूछे जाते हैं। जब उन पे आप पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे बार बार तो वो केसेस आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह से मैक्सिम से, अक्सर मैक्सिम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया या और तमाम है, तो ये देखिए सुक्तियों और कथनों से संबंधित
सारे प्रश्नों से हमने छांटा तो केवल 18 प्रश्न निकले, महज 18 प्रश्न है। आप इनको पढ़ लेंगे, ध्यान से सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका इन पे कमांड हो जाएगा, और एक बार जब कमांड होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि स्टडी का मेथड क्या होना चाहिए, कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लासिफाइड। प्री में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ समझ के करनी है, कॉन्सेप्चुअल करनी है और क्लासिफाइड करनी है। ये हमने क्लासिफाई कर दिया इस बुक में क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से आपकी ग्रिप बना देंगे उस विषय पर। ऐसे क्या है कि मैं फिर से कहूंगा कि आप केस लॉज को लेकर परेशान हैं, आप मैक्सिम्स को लेकर परेशान हैं, न जाने कौन सी मैक्सिम कहां से पूछ रहा है। अरे जितनी अब तक पूछा है सब एक बार में देख लिया जाए ना, केवल मैक्सिम देख लिया जाए, केवल सारे केसेस देख लिए जाए तो बहुत होगा, तो दो एक नए केसेस जो आ जाएंगे वो अलग से पूछ दिया जाएगा, इससे आगे तो नहीं पूछेगा ना। तो इस तरह से आपको इन बुक्स का सहारा लेना चाहिए। ये पीवीपी पब्लिकेशन की जो बुक्स है, आपके शहर में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अमेजन, स्नैपडील या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, वहां भी नहीं है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा इन किताबों को पढ़ने से आपका प्री के साथ साथ इंटरव्यू भी तैयार होगा, बहुत विधिवत तैयार होगा। देखिए इसमें अंदर जब किताब पढ़ेंगे तो ये देखिए इसमें जो है मैक्सिम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो विद मैक्सिम्स यूज है लिखा गया है। ये कंप्लीट लिखी गई है किताब, देखिए जो धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी हेडिंग, उनके एलिमेंट और उनका पनिशमेंट लिख दिया गया, जबकि यूपी यूपी में पनिशमेंट नहीं पूछा जाता है ना के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस किताब से अपना प्री भी तैयार कर सकते हैं और मेंस भी तैयार कर सकते हैं। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पनिशमेंट कब कितना होगा, दो कैटेगरी में बांट दिया गया, इतने से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जब इनको देखेंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत रुचिकर होंगी। मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे मानहानि, अब आप देखिए कहने के लिए ये प्री के लिए है, मानहानि के आवश्यक तत्व, फिजिकल एलिमेंट, मेंटल एलिमेंट, ये दोनों आपको, देन इसका एक्सप्लेनेशन लांछन इंप्यूटेशन क्या है, बकायदा समझा दिया गया केस के साथ। तो आपके माइंड में मेंस के क्वेश्चंस का कंटेंट भी जा रहा है, केस रिसर्च का कंटेंट जा रहा है, ठीक है। ये देखिए लांछन परिवादी के प्रति हो, अगर किसी समूह के प्रति किया गया तो क्या होगा, तो उसकी पूरी केस लॉ के साथ व्याख्या। इसके अलावा बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं मानहानि के, तो मानहानि के एक्सेप्शंस को क्लासिफाइड हमने कर दिया, मानहानि के 10 अपवाद हैं, ठीक। ये देखिए एक्सेप्शन 2, 3 और 6 को हमने एक साथ रखा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एक साथ रखने लायक है। इसके अलावा इसी में आपका मानहानि के अपकृत्य और मानहानि के अपराध का अंतर भी लिखा हुआ है। तो ये आप, ये किताब कहने के लिए वन लाइनर है अपने के लिए है, लेकिन ये मेंस और इंटरव्यू के लिए भी आपका बेस तैयार कर देगी। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आप प्री की तैयारी पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि साथ में मेंस भी तैयार होता चले, तो इसके लिए ये आपके लिए द बेस्ट फार्मूला है। दूसरा कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को लीजिए, ये जो आपको ऐप पर मिलेंगे या फिर हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव में मंगा लीजिए, ठीक। इसके लिए आप संस्थान से इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप से। एक बात मैं बता दूं, सूचना दे दूं, 1 जनवरी 2019 से हमारे वीडियो लेक्चर्स के प्राइस में कमी की गई थी, 35,000 रुपीज में हमारा पूरा सेट है, इसमें 20 सेट्स का, जिसे 25,000 में कर दिया गया था। ये छूट सीमित समय के लिए थी लेकिन अब एक साल तक चल गई, तो हम इसे बहुत ही जल्दी फिर बढ़ाकर 35,000 करने वाले हैं, संभव